हम लोग ये चैम्पियनशिप चाहिए, क्योंकि बहुत साल से ईस्ट बंगाल का कलकत्ता लीग मिला नहीं है, वो तो मेरे को भी पता है, टीम को भी पता है, चैंपियनशिप तो चाहिए चाहिए। और ये धोनी की हुई जी गजब ग्रिप, कैसे एसआरएमबी जैसे। एसआरएमबी टीएमटी बार की विन ग्रिप टेक्नोलॉजी सीमेंट के साथ बनाए मजबूत पकड़, ग्रिप इज इम्पोर्टेंट। नमस्कार दर्शक বন্ধুরা, এক্সট্রা টাইম বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আমি অর্চিত রয়েছি আপনাদের সঙ্গে নৈহাটি স্টেডিয়াম থেকে, এবং যেখানে আজ সুপার সিক্স এর মেগা ডার্বিতে মুখোমুখি হয়েছিল মাওরান স্পোর্টিং ও ইস্ট বেঙ্গল দল, এবং 2-2 গোলে কিন্তু আজকের ম্যাচ কার্যত ড্র হয়। এবং বলা চলে যে মোহামেডান স্পোর্টিং দল কিন্তু আজকে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে, এবং অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গল আজ পিছিয়ে থেকে কিন্তু প্রত্যাবর্তন করে আজকের ম্যাচে। প্রথমার্ধেই একটি গোল দিয়ে দেন মোহামেডান স্পোর্টিংয়ের হয়ে বামিয়া সামাদ, তিনি কিন্তু প্রথম গোলটি করে দেন, এবং তারপরে আরও একটি গোল করে মোহামেডান স্পোর্টিং, এবং ইস্ট বেঙ্গল আবারও গোল শোধ করে একেবারে ম্যাচের শেষের দিকে। এবং জেসিন টিকে ইস্ট বেঙ্গলের হয়ে জোড়া গোল করলেন, এবং এবারে তিনি কলকাতা লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার বলা চলে। এবং বলা চলে যে সর্বোচ্চ স্কোরার এক আর দু নম্বরের লড়াই ছিল, কারণ ইসরাফিল দেওয়ান তিনিও কিন্তু এই নম্বরে দু নম্বর পজিশনে আছে গোল করার নিরিখে। সেক্ষেত্রে ইস্ট বেঙ্গল দল চ্যাম্পিয়নশিপের আরও কাছে পৌঁছে গেল, যদিও তারা এক পয়েন্ট নিয়ে এই ম্যাচে সন্তুষ্ট থাকে, তা সত্ত্বেও কিন্তু কার্যত চ্যাম্পিয়নশিপের একেবারে আরও কাছে পৌঁছে গেল। তবে গুরুত্বপূর্ণ আরও দুটি ম্যাচ রয়েছে, ভবানীপুর এবং ডায়মন্ড হারবার ইস্ট বেঙ্গলের কাছে। এবং কোচ বিনো জর্জ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন, অবশ্যই ইস্ট বেঙ্গল দীর্ঘদিন কিন্তু কলকাতা লিগের খেতাব পায়নি, সেক্ষেত্রে এই কলকাতা লিগ জয়ের খেতাব আবারও তিনি ফিরিয়ে দিতে চান লাল হলুদ ক্লাবকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই বিষয়ে তিনি কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। তবে ধাপে ধাপে আরও দুটো ম্যাচ জয় ছিনিয়ে নেওয়াই কিন্তু মূল লক্ষ্য কোচ বিনো জর্জের। ওই টিম কা সাথ ইয়ে মে ক্যা বল রহা হুম, হাম লোগ ইয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ চাইয়ে, क्योंकि बहुत साल से ईस्ट बंगाल का कलकत्ता लीग मिला नहीं है, वो तो मेरे को भी पता है, टीम को भी पता है, चैम्पियनशिप तो चाहिए चाहिए। बट मेरा जो प्रायोरिटी इसमें है, प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिल रहा है टफ टीम का साथ, जो आपको पता है भवानीपुर बहुत पैसा खर्चा किया कलकत्ता लीग में, एंड डायमंड हार्बर ऑल्सो स्पेंड लॉट ऑफ मनी फॉर कलकत्ता लीग। सो इसका एगेंस्ट बड़ा बड़ा प्लेयर्स का एगेंस्ट ये सब टफेस्ट मैच मिलेगा ना, प्लेयर इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेन टारगेट। तो इसमें से इम्प्रूवमेंट में देख के उसको सीनियर में जा सकते हैं। तो वही कभी भी कोई भी देखो, अभी अमन इतना देख रहे हैं, अमन का परफॉर्मेंस ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी ये लोग क्या क्या होते हैं, मैं वो सीनियर से ट्रेनिंग करके इधर आएगा, उसको थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए बोल कभी कभी छोड़ता नहीं है, कभी कभी ज़्यादा ट्रिपल करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये ऐसा एक्सपीरियंस उसको मिलता है, उसका प्लेटफॉर्म मिलता है, उसका टफेस्ट मैच मिलेगा, ये भी बहुत प्रायोरिटी से मैं देखता हूँ। यू नो अभी आपको क्या लग रहा है, कितना टफ हो गया टाइटल रेस? देखो कैलकुलेशन क्या है? मैं पहले से भी कैलकुलेट नहीं किया, मुझे कि मैं चैंपियन होना है, कैलकुलेशन प्लानिंग वो जीतेगा इतना पॉइंट है ये ड्रॉइंग, मैं ईच मैच प्लान करके जा रहा है, ये मैच में ऐसी करना है, ये मैच में ऐसी करना है। तो कभी हर मैच में मेरा मतलब अभी हम लोग अभी तक अनबीटन है, हम लोग तो अभी तक हारा नहीं है, तो ये मेहनत करने के लिए मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, बट प्लेयर्स को भी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मैच दो इम्पोर्टेंट मैच है, वो हमको तो उसको हमको भी पता है, प्लेयर्स को भी पता है, मेरा ड्यूटी है उसको पुश करेगा, थोड़ा मोटिवेट करेगा, थोड़ा इनक्रेज करेगा, उसका क्या मिस्टेक आया, क्या हो गया, आज का प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कैसे निकलेगा, क्या उसको रेक्टिफाई करेगा, कैसे अगेंस्ट डायमंड हार्बर में कैसे खेल सकते हैं, कैसे स्टॉप करेगा, कैसे अटैकिंग में जाएगा, ये उसको सिखाना है। अभी दो तीन हमारे पास है, उसमें वही करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। रियलिस्टिकली आपको कितना पॉइंट चाहिए? रियलिस्टिकली आई थिंक 3 पॉइंट इज ओके फॉर मी, आई थिंक सो 3 पॉइंट इज ओके फॉर मी, बिकॉज मैं ज़्यादा सोचता नहीं, ज़्यादा सोचेगा मतलब, फिर भी सपना ज़्यादा देखने के लिए बोलते हैं, सपना भी देख रहा हूँ, बट आई रेस्पेक्ट ऑलवेज कलकत्ता लीग, आई सेड कलकत्ता लीग इज नॉट अनप्रेडिक्टेबल, एनीथिंग हैपन एनी टाइम। वो आप बोल रहे फाइनल होगा, देखे जाएगा, मैं प्लेयर्स को और मेरा टीम को मुझे भी है एवरी मैच 100% नहीं, अभी देखो आज हम लोग हर मैच टाइम में एक गोल से पीछे था,
पीछे करके वापस गोल मारा, तो हीरा को लास्ट ओपन चांस मिला। इतना बुरा भी नहीं कहला, मतलब आप लोग क्यों प्रॉब्लम है, हमारा जो लास्ट मैच और लास्ट पूरा मैच देखी है, मैच देखेगा टीम का थोड़ा खराब लगेगा, यही है। बट कभी कभी आप लोग भी जिंदगी में लाइफ में हर एवरी डे अच्छा होगा, कभी कभी बुरा भी हो सकता है ना। অন্যদিকে মডার্ন স্পোর্টিং কোচ হাকিম সেকেন্দো, তিনি কিন্তু বলা চলে তিনি জানালেন যে কার্যত জেতা ম্যাচ হাতছাড়া করে এসছেন এবং ইস্টবেঙ্গলকে রুখে দিতে পারতেন তার তরুণ ব্রিগেডদের দিয়ে। একাধিক খেলোয়াড় ইতিমধ্যে না থাকা সত্ত্বেও মডার্নের তরুণ ব্রিগেড যেভাবে পারফরমেন্স দিচ্ছে, গতবারে তারা চ্যাম্পিয়ন হলো, কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়ন হলো, এবারে শুরুটা কিছুটা ধাক্কা ছিল, তারপর থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে মডার্ন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই যে মেগা ডার্বি ম্যাচ, সেই ডার্বি ম্যাচে কিন্তু জয় ছিনিয়ে নিতে পারত মডার্ন, সেই নিয়ে কিন্তু হতাশ মডার্ন স্পোর্টিং কোচ হাকিম সেকেন্দো। তিনি কি বলছেন শুনে নেওয়া যাক। We didn't lose the game. I don't think if you say that we lost the game, no, that's not right. We had a good 90 minutes where we put up a very good fight against the best of the league so far. If you think about the way they play, the team that they play, you cannot compare them to my team. So the amount of effort they put up, I think it would be very unrealistic to say that we lost the game. I think we did a great job. Don't you think Mohammedan is an inconsistent team in the CFL, but this today is a very consistent performance from your side. What you say before the match? No, I think again, if you say inconsistency, again, you don't see the reality. The reality, I want you to look at the quality of players I have, the quality of team that we have. When all the players were there, there was consistency. But now we have a young team. We have 2008 bonds who are playing into the game, and if they are able to put up this kind of performance, it is very good. And then we think that if they can pick it up from here to the next games, and so that we can end properly. What was the motivation? You have not in the race. But this is for us, every match is important, not just one match. Every match is important. As long as you wear Mohammedan Sporting jersey, it is important. I have not seen any game that we have lost where we just sat down and, you know, things didn't happen. We tried to push in every game, even though we failed, but we tried to push in every game, and that's what matters for us in every game. Extra time. লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না জানো।